शांतनु की आंखों में देखते हुए प्रफुल से सवाल किया। प्रफुल के दिमाग में क्या जोर जोर चल रही थी, लकी उसी के बारे में पता लगाने की कोशिश में था, लेकिन उसे इसके साथ में अपने परिवार की भावना चिंता हो रही थी। अगर अग्रवाल परिवार की कमान ऐसे आदमी के हाथ में चली जाएगी जिसकी सोच इतनी छोटी थी, तो ऐसे में उसके परिवार का क्या हाल हो जाता। लकी को तो ये सोच नहीं बहुत डर लग रहा था। लकी, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ना तो इस परिवार के बेटे हो और ना ही इस परिवार के पोते। ऐसे में ना तुम्हें अग्रवाल परिवार के बारे में बात करने का कोई हक ही नहीं है, ना ही कोई जरूरत। शांतनु ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो विराज के पिता की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विराज के पापा, आप चाहें तो हम लोग इस सौदे को कैंसिल करके आपको आजाद कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप लोग सोच लेना कि आपका परिवार ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। आपका लॉस होता ही रहेगा, होता ही रहेगा और एक दिन देखा कि आप लोग खत्म हो जाएंगे। आप लोग बहुत ज्यादा दिनों तक चला नहीं पाएंगे और आपको ऐसी हालत में लाने वाला सिर्फ एक आदमी है, ये लकी, जिसे आप सिर पर बैठा करना भी पूछ रहे हैं। लकी, मुझे तो लगता है कि विराज के पिता ने तुम्हें दिल ही दिल में गालियां भी देनी शुरू कर दी होगी। शांतनु ने जोर से हंसते हुए कहा और वहां से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वो जाने वाला था कि इतने में विराज के पिता का फिर से मत हुआ कि वो शांतनु को रोके और उसे अपनी कंपनी बेच दे। इस तरह से वो तो अपनी कंपनी को ज्यादा दिन तक पैसे भी नहीं बचा सकते थे, और अगर ये कंपनी डूब जाती तो उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। वैसे तुमसे किसने कहा कि विराज कंपनी का दिवाला बन जाएगा? इतने में लकी ने शांतनु के रास्ते में आ गया देखा और फिर विराज के पिता की तरफ देखने लगा। उसकी शक्ल पर शर्मिंदगी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। लकी शांतनु को रोकने के लिए इशारा करके उसके पास आया और बोला, अपना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक घंटे में आपकी कंपनी को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूंगा जहां वो पहले थी। क्या बात है लकी, क्या ऊंची ऊंची दिए जा रहे हो? तुम दिए जा रहे हो और वो लिए जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम्हारी उससे परिवार में चले आखिर क्या ठीक कर दोगे तुम एक घंटे में? अरे मैं तुम्हें एक घंटे की जगह 100 साल देता हूं, लेकिन तुम तब भी इन लोगों की हालत नहीं सुधार पाओगे। शांतनु ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके कान में कोई आवाज नहीं आ रही थी। विराज, मुझे श्रीन ने बताया कि तुम्हें अपनी कंपनी को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वैसे अभी तुम्हें और कितने रुपयों की जरूरत है मुझे बताओ? लेकिन पूछा। विराज के पिता ने जैसे ही सुना तो वो श्रीन और दर्शन की तरफ देखने लगे। इससे पहले खुद उन्हें भी ऐसा लगा था कि लकी यहाँ पर कैसे आ गया था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसे श्रीन ने बुलाया था। अभी तो 10,000 करोड़ रुपए से काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि सामने वाले ने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए सामने वाली कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए दिया। वैसे मैं भी अगर हमें 20,000 करोड़ रुपए मिल जाए तो फिर हम गेम पलट देंगे और मामला ठीक हो जाएगा। विराज के पिता ने अपने दिमाग में सारा गणित जोड़ते देखा और उनकी आवाज में अचानक सुधार सीता रही जब उन्होंने कहा, लेकिन अभी मेरे हाथ में मात्र 1,500 करोड़ रुपए, ऐसे में मुझे और 19,000 करोड़ रुपए कहाँ से मिलने वाले हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं।